वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि एक्टर शाहिद कपूर का नाम इन दिनों कई बड़ी फिल्मों से जुड़ रहा है। पद्मावत और कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर की हिंदी सिनेमा और दर्शकों के बीच काफ़ी बढ़ी है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पद्मावत और कबीर सिंह दोनों ही फिल्में शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। ऐसे में आने वाले दिनों में शाहिद कपूर का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक भी जुड़ रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि जयललिता व इंदिरा गांधी के बाद अब एक और पर्सनालिटी की कहानी पर्दे पर दिखने वाली है। साथ ही इन दिनों भारतीय इतिहास की धरोहर की कथाओं पर भी फिल्में बनाई जा रही है। तान्या जी के बाद अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में शाहिद कपूर नजर आ सकते हैं। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक बनाने का प्लान कई मेकर्स कर रहे हैं। रितेश देशमुख, अली अब्बास जफर, रोहित शेट्टी जैसे मेकर शिवाजी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। अब खबरों की माने तो कबीर सिंह के प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे भी वीर मराठा की बायोपिक पर काम शुरू कर सकते हैं। खबरों की माने तो अश्विन वर्दे फिल्म में छत्रपति शिवाजी का रोल शाहिद कपूर को ऑफर किया है। इतना ही नहीं, अश्विन इस प्रोजेक्ट के लिए शाहिद कपूर को अप्रोच कर चुके हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म के आइडिया को शाहिद ने पसंद भी किया है और उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी है। फिलहाल दोनों कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। पद्मावत के बाद शाहिद की यह दूसरी पीरियड फिल्म होगी। कुछ दिनों पहले शरद केलकर के भी शिवाजी बनने की खबरें सामने आई थी। दरअसल अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में छत्रपति शिवाजी का किरदार था, जो फैंस को काफ़ी पसंद आया था। अब जब से फैंस को इस फिल्म के बारे में पता लगा है, वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में छत्रपति शिवाजी का किरदार था। वीर मराठा के किरदार को एक्टर शरद केलकर ने निभाया था। वैसे आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।